सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस आजकल खुद पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाली बेहिसाब ब्लैक कॉल से भारी परेशानी का सामना कर रही है। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से आया है, जहां साइबर सिटी में पुलिस कंट्रोल रूम में फोन ना उठाने की शिकायतों की लंबी होती फेरिस के बाद पुलिस कमिश्नर ने इसकी तह में जाकर सब कारण जानने की कोशिश की तो पुलिसिया जांच में भी कई चौंकाने वाले कारण सामने आए, जिसमें कि ब्लैक कॉल्स की संख्या ने पुलिस महकमे के अफसरान को भी अचरज में डाल दिया है। लगभग लास्ट 11 महीनों में 7,61,000 अप्रोक्सीमेट ब्लैंक कॉल्स दर्ज की गई हैं और क्राइम से रिलेटेड कॉल्स 6500 हैं। कुछ कॉल्स जो दिल्ली की जो बॉर्डर्स के आसपास के एरिया से आती हैं, जब टावर कोई भी पकड़ लेता है तो वो लगभग 4500-4600 कॉल्स हुए हैं। अदर इंक्वायरी की 8000 हैं और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 27000 के आसपास है और मिस कॉल लगभग 29000 मिस कॉल्स हैं। सर, क्या खामियां सा भुगतना पड़ता है ऐसी कॉल्स का जो है आम लोगों को? आम क्योंकि जब भी कोई ब्लैक कॉल आती है तो एक लाइन तो हमारी एंगेज हो जाती है, बाई चांस किसी और लाइन पे कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है और किसी को ज़रूरत है वो फ़ोन करता है तो वो उसको बिजी मिलता है फ़ोन। तो जितनी ब्लैंक कॉल्स कम होंगी उतना बेटर रहेगा और लोगों को कनेक्टिविटी जल्दी। देखिए, जो ब्लैंक कॉल्स लोग कई लोग कर लेते हैं अपने 100 नंबर पे, इससे पुलिस को ही नहीं बाकी आम जनता को भी कठिनाई होती है। जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस जिन लोगों के हैं, कई बार उनको 100 नंबर की लाइन बिजी मिलती है जिससे लोगों को कठिनाई होती है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लैंक कॉल्स कृपया ना करें अपना 100 नंबर पे, क्योंकि इससे जो जेन्युइन जिन लोगों की कठिनाई है उन लोगों तक पुलिस को पहुंचने में देरी हो जाती है और वो उनको जो समस्या अपनी पुलिस को बताना चाहते हैं उसको बताने में देरी होती है। सर, कैसी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाती है? सर देखिए, जिनका जो रिपीट ऑफेंडर्स आते हैं उनको हम बुला के कॉशन कर लेते हैं, तो जो डिटेक्ट हो जाता है उनका रिपीट ऑफेंडर्स है तो बंद हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग फिर नया दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारी एडवाइस और कॉशन है, तो जिससे एक बार आपके माध्यम से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि इस तरह की कार्रवाई पहनना ना करें।